नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और मार्च के महीने में चुनाव की तारीखों की घोषणा भी हो जाएगी, ये बात भी तय है। देखिए, अब चुनाव होना है। बिहार की 40 सीटों पर निगाहें हैं। तेजस्वी यादव भी जन विश्वास यात्रा पर निकल चुके हैं और 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली होनी है। तेजस्वी यादव बस पर सवार होकर निकल चुके हैं, यात्रा कर रहे हैं, बिहार के सभी जिलों में जा रहे हैं, घूम रहे हैं और उन्होंने बिहार विधानसभा में जब सरकार गिर गई, महागठबंधन की सरकार चली गई, विश्वास मत हासिल भी कर लिया नीतीश कुमार ने एनडीए की सरकार के साथ, 3 विधायक आरजेडी के टूट गए। उसके बाद भी जब तेजस्वी यादव ने हार नहीं मानी, वो लोगों के बीच जा रहे हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये लोगों की भीड़ की तस्वीर है। तेजस्वी यादव की सभाओं में खूब भीड़ हो रही है, ये बात भी सही है, ये बात भी ठीक है, लेकिन भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी नहीं, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। तेजस्वी यादव ने लोगों के प्रति जो विश्वास जीतने का ये नया तरीका निकाला है, जन विश्वास यात्रा में वो निकल चुके हैं और अब जन विश्वास महारैली होनी है 3 मार्च को गांधी मैदान में। रैली की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। गांधी मैदान के आसपास सभी ओर पोस्टर्स लगाए जाएंगे। लालू जी ने बुलाया है। तेजस्वी यादव जब शिवहर पहुंचे तो उन्होंने कहा है, लोगों को आमंत्रण देना भी शुरू किया है और उनकी सभाओं में जितनी भीड़ हो रही है, ये एक चिंता का विषय हो सकता है विरोधी खेमे के लिए, यानी कि एनडीए के लिए। लेकिन अब हम बात एनडीए की भी करते हैं। जो जानकारी मिल रही है, 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आएंगे, औरंगाबाद में उनकी सभा होनी है, जो जानकारी मिल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, जिस तरह की खबर मिल रही है। यानी कि 2 मार्च को नरेंद्र मोदी का आगाज होने जा रहा है बिहार में। उससे पहले राजनाथ सिंह, जो कि देश के रक्षा मंत्री हैं, वो फरवरी महीने में ही बिहार आ रहे हैं, उनकी भी सभाएं होनी है छपरा में और भी कई जिलों में सभाएं होनी है। फिर अमित शाह का भी कार्यक्रम तय हो चुका है, अमित शाह भी बिहार आएंगे। तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह सभी बिहार आ रहे हैं, सभी बिहार में हुंकार भरेंगे। अब रैलियाँ शुरू होंगी, सभाएँ शुरू होंगी और दावे किए जाएंगे। देखिए, जो जानकारी मिल रही है, सम्राट चौधरी सूबे के जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी ओर से जानकारी निकल के आ रही है कि नरेंद्र मोदी जब बिहार आएंगे तो कुछ बड़ी घोषणा कर सकते हैं, बिहार के लिए कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं, कुछ स्पेशल पैकेज का ऐलान कर सकते हैं। ये बात भी तय है। चुनाव से ठीक पहले जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ गए हैं तो ज़रूर बिहार के हित के लिए कुछ बात हुई होगी और जब बात हुई होगी, डील हुई होगी, तो उन बातों पर भी ज़रूर अब रंग चढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब होली का त्यौहार भी आ रहा है। होली से पहले बिहार को कितना रंग मिलता है, केंद्र सरकार की ओर से कितने तोहफे मिलते हैं, क्योंकि फिर जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी उसके बाद ऐलान हो नहीं सकता है और फिर बिहार की जनता भी पूछेगी कि आखिर मिला क्या, बिहार को क्या मिला। नीतीश कुमार भी इस पूरे प्रयास में है कि जब मंच पर जाएँ, जनता का सामना करें, जनता को जवाब देना होता है, कई सारी बातें बतानी होती है, तो विकास कार्यों में कौन कौन से काम गिनवाएंगे। 7 निश्चय की बात वो कहते हैं, नीतीश सरकार बिहार में रोजगार दे रही है, ये भी बात वो कहते हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार हो, नरेंद्र मोदी हो, सभी अब सभाएं करेंगे, खुलकर सभाएं करेंगे। लेकिन देखिए, मुद्दा फिर वही मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, रोजगार देने का मुद्दा, बिहार में उद्योग लगाने का मुद्दा। जो नीतीश कुमार कहते हैं सड़कें कितनी अच्छी हो चुकी हैं, पहले सड़क थी ही नहीं, बिजली का अभाव था वो भी हो चुकी है, लेकिन बिहार में अभी भी उद्योग धंधों को लेकर के शिकायत होती है, तो इस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। नरेंद्र मोदी जब बिहार आ रहे हैं, देखिए नरेंद्र मोदी राम मंदिर का भी जिक्र करेंगे, कैसे जो कैसे के कई शताब्दी से, कई 100 सालों का इंतज़ार जो था, हमारे पूर्वजों की कई कुर्बानियाँ थीं, उसके बाद जब राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है अयोध्या में, रामलला विराजे हैं, प्राण प्रतिष्ठान हुआ 22 जनवरी को, उन तमाम तस्वीरों से लाइव स्ट्रीम आपको पहले भी अवगत कराया है, उन तमाम बातों का जिक्र होगा। कोरोना काल में कैसे 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन दिया गया था, ये तमाम बातों का जिक्र होगा। केंद्र सरकार ने बिहार के लिए कितना कुछ किया, कितना दिया है, ये सभी बातें होंगी। और नरेंद्र मोदी का जलवा खत्म हुआ नहीं है, नरेंद्र मोदी का जो कैसे कि अंडर करेंट रहता है वो हमेशा दिखता है। और नीतीश कुमार भी कह रहे हैं पिछली बार से बेहतर परफॉर्मेंस होगा, तो यानी कि पिछली बार जब 39 सीटें जीती थी तो इस बार 40 की 40 सीट जीतने का दावा एनडीए कर रही है, नीतीश कुमार कर रहे हैं। अभी नरेंद्र मोदी आएंगे तो क्या कहेंगे ये देखना होगा। नीतीश कुमार वापसी कर चुके हैं, फिर एनडीए में आ चुके हैं, उस पर क्या कहेंगे, अमित शाह क्या कहेंगे, तमाम बातों पर नजर होगी। और एक तरफ गांधी मैदान में निगाहें होंगी, गांधी मैदान में लालू प्रसाद होंगे, राहुल गांधी भी आ रहे हैं, तो राहुल गांधी जब जन विश्वास महारैली को संबोधित करेंगे क्या कुछ कहेंगे, क्या पीएम फेस राहुल गांधी को ही बनाया जाएगा इंडिया ब्लॉक की ओर से, इंडिया गठबंधन की ओर से, ये देखना होगा। क्योंकि कांग्रेस की, आरजेडी की, देखना होगा आगे, सीपीआईएमएल के लोग भी इसमें ऐड होते हैं, तो फिर रैली बड़ी होने जा रही है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की भी सभा गांधी मैदान में होगी, इस बात को भी तय मानिए, कब होगी वो नहीं पता, लेकिन अभी तो औरंगाबाद से इसकी शुरुआत हो रही है, देखना होगा आने वाले समय में ये रैली कब होती है। लेकिन बिहार में आखिर जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है, अभी कैबिनेट एक्सपेंशन भी होना है, देखिए चर्चा बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी है, कई सारी चर्चा है, कई सारे नामों की चर्चा है, लेकिन फिलहाल हम उन नामों पर नहीं जाएंगे। लेकिन कैबिनेट विस्तार होना है, जल्द होना है, 1 मार्च तक बिहार विधानसभा का
बजट सत्र है, 1 मार्च को अंतिम दिन है बजट सत्र का, तो 1 मार्च के बाद ही कैबिनेट विस्तार होना है। अब देखना है कि कैबिनेट विस्तार 2 को होता है, 3 को होता है, 4 को, 5 को, किस दिन होता है, तो ये बातें देखनी होंगी, कैबिनेट विस्तार किस दिन होता है, इन तमाम चीज़ों पर निगाहें बनी रहेंगी। और जब नरेंद्र मोदी आएंगे, नरेंद्र मोदी क्या कुछ बातें रखेंगे, क्योंकि अब बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी जोश भरना है, एनडीए के कार्यकर्ताओं में जोश भरना है, चिराग पासवान उस दिन मंच पे होते हैं कि नहीं, क्योंकि ये भी देखना होगा कि एक सिंबॉलिक सभी को साथ लाकर दिखाना होगा। फिर पशुपति पारस के साथ जो उनका झगड़ा चल रहा है वो कब तक सॉर्ट आउट होता है, हाजीपुर की सीट को लेकर क्या फैसला होता है, इन तमाम चीज़ों पर निगाहें बनी हुई हैं, क्योंकि अभी सीट शेयरिंग की जो बातें हैं भीतर भीतर सब तरफ हो रही हैं, महागठबंधन की ओर भी हो रही है, एनडीए की ओर भी हो रही है, लेकिन बातें सतह पर नहीं आ रही हैं कि आखिर कब तक सीट शेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि अब चुनाव की घोषणा होनी है, मार्च के फर्स्ट वीक में चुनाव की घोषणा हो जानी है, जैसी जानकारी है, इलेक्शन कमीशन ने भी पूरी तैयारी कर ली है, देखना होगा कितने फेज में चुनाव होता है, तो इन तमाम चीज़ों पर जानकारी मिल रही है, लेकिन सीट शेयरिंग की जो फाइनल बातें हैं एनडीए की ओर से, महागठबंधन की ओर से, अब तक सामने सतह पर उभर कर नहीं आई हैं, तो देखना होगा ये तैयारियां कब तक पूरी कर लेते हैं, मतलब अंदर खामे में बातें कब तक डील डन हो जाती है, और कब फिर उसे मीडिया के सामने सार्वजनिक किया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा हो, जितना मांझी हो, सबका ख्याल रखना है, क्योंकि सभी नीतीश कुमार से पहले ही इंडिया की ओर, एनडीए की ओर चले गए थे। तो वैसे में एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार एक तरफ जहां हुंकार भरेंगे, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद पटना के गांधी मैदान में हुंकार भरेंगे, औरंगाबाद में नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, कई सारी सौगातें होंगी बिहार के लिए, बिहार के लिए काफ़ी कुछ बेहतर होगा ये देखना होगा। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू यादव क्या कहते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव अभी भी कह रहे हैं नीतीश कुमार आदरणीय है हमारे लिए, और जो मोदी की गारंटी दे रहे हैं, क्या वो इस बात की गारंटी देंगे कि कहीं वो फिर ना पलट जाएं। लालू प्रसाद ने भी कह दिया है कि दरवाज़ा खुला है, संकेत दे दिए हैं, दरवाज़ा बंद ही कब होता है, आएंगे तो देखा जाएगा, ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर भी चर्चाएं बहुत होती हैं, लेकिन फिलहाल अभी तो गठबंधन बदला है, अभी तो नया स्वरूप हुआ है, अभी चुनाव लड़ने की बारी है, और लोकसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग की बातें कितने हद तक तय हो जाती हैं ये देखना होगा। जनविश्वास महारैली गांधी मैदान में होगी, उस दिन राहुल गांधी क्या कहेंगे, भीड़ कितनी आएगी, ये भी एक बड़ी बात है, भीड़ कितनी होती है सभाओं में, इस पर भी निगाहें रहेंगी, हम उन तस्वीरों से भी आपको अवगत कराएंगे कितनी भीड़ होती है, ये तमाम बातें लाइव स्ट्रीम आपको कैमरे में कैद करके आप तक पहुंचाएगा। लेकिन सबकी बातें जो है महम होनी है, बड़ी बड़ी बातें होनी है, उस पर क्या कुछ फैसला होता है, उस पर क्या कुछ तस्वीरें उभर कर आती हैं ये देखना होगा। आप लाइव स्ट्रीम साथ बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, धन्यवाद। सब लोगों ने हम पर दबाव डाला, सभी देश भर के विपक्षी के दलों के नेताओं ने कि नहीं ले लीजिए, अगर वो सच्चे मन से आ रहे हैं, अगर उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया है, तो लालू जी बड़ा दिल दिखाइए और बड़ा दिल दिखा करके नीतीश जी को माफ कर दीजिए। हम लोगों ने फिर से उनको अपनाने का काम किया, लेकिन नौजवान भाइयों,